जिसको हम भूत विद्या कहते हैं कि यानी भूत विद्या के नाम पर देवासुर, गंधर्व, अक्ष, ये पित्री पिशाच, इस तरह से अलग अलग नाग, ग्रह, इन सब, यानी कि मैं इसको कहूँ कि देव है, असुर है, गंधर्व है, ग्रह है, राक्षस है, पिशाच है, यक्ष है, इन सब नामों का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत सारे जीवाणुओं के लिए, विषाणुओं के लिए किया गया है। ये समझने की बात है, हम लोग ग्रह, राक्षस, पिशाच, यक्ष, डाकिनी, शाकिनी के नाम पर झाड़ पूछ इधर लगे। हाँ, झाड़ने पर भी जब हम विविध तरह के जड़ी बूटियों को जाल करके धुआं करते हैं तो विविध तरह के बैक्टीरिया और वायरल खत्म हो जाते हैं, और इसी का ही प्रयास जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में भी हम बहुत उससे वातावरण की शुद्धि करते हैं, बहुत तरह के जो विषाणु जीवाणुजन्य रोग हैं उनके शमन के लिए प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य से शमन तो हम विषाणु जीवाणुओं का कर रहे होते थे, पहले यज्ञ करते थे, वो यज्ञ धुना में परिणित हो गया। धुने में होने के बाद में क्या होगा, जड़ी बूटियां डाल करके भी हम कहते हैं हम प्रेत, भूत प्रेतों को भगा रहे हैं। वस्तु तो भूत प्रेत इस तरह के नहीं है जिस तरह के हमने कल्पनाएं करी, ये सब विषाणु जीवाणुओं के लिए किया गया है, और मैं ऐसा मानता हूँ और आज का विज्ञान भी मानता है, और इस समय पर इस कालखंड में कि किस तरह से जो विषाणु है कितना खतरनाक हो सकता है, आपका जो COVID-19 से हम सब महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी जो रोग हैं उनकी उत्पत्ति के कारण है, यानी कि आप देखेंगे COVID-19 भी वायरस बाहर है उतनी शक्तिशाली नहीं है, वो साबुन मात्र से भी ख़त्म हो जाता था, हैंड सैनिटाइजर से भी ख़त्म हो जाता है, और हमारे को हम यदि मास्क लगा लेते हैं उससे भी नहीं घुसता है, पर जब शरीर में चला जाता है तो जा करके वो उसके लिए जो उसका आहार है वो मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है, जब मनुष्य के शरीर में चला जाता है तो मजबूत हो जाता है, वो इतना बलशाली हो जाता है, फिर उसको ख़त्म करने में कठिनाई होती है। तो मनुष्य में ये आक्रमण करें इससे पहले ये बहुत दुर्बल होते हैं, हमको ये समझना चाहिए, कितने भी जीवाणु बैक्टीरिया हैं, वायरल हैं, जब तक वो मनुष्य के संस्पर्श में नहीं है, मनुष्य के साथ स्पर्श में नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली नहीं है। तो उन शक्तियों को यानी हम हमारे अंदर आक्रमण करके वो शक्ति को प्राप्त करते हैं, तो उसको शक्ति प्राप्त करें, यानी कि मनुष्य पर लगे उससे पहले ही बचाव करना, इस तरह के विषाणुओं को, बैक्टीरिया, वायरल को क्षीण करने का उपाय है। ये आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पर वर्णन है, तो इसलिए बहुत सारी जो बीमारियों का कारण है वह उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हमारे यहाँ शांति कर्म कहा, होम कहा, दान कहा, दान आदि जो चिकित्सा की बात की गई है, ये सारी चीज़ जो करी जाती है, यानी जो हम इसी को भूत चिकित्सा कहलाते हैं, यानी कि भूत चिकित्सा का मतलब भूत के लिए नहीं अपितु भूत चिकित्सा का मतलब जो हम बचाव के लिए जो उपाय करते हैं पर्यावरण की शुद्धि के लिए, बैक्टीरिया वायरस को दूर करने के लिए, वो आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, इसीलिए हम इसको समझें और इसको हम इसके अंतर्गत यदि हम बात करें इसके अंतर्गत में यदि हम बात करें तो मानसिक रोग, क्योंकि मानसिक रोग में बहुत सारी तरह के जो विकार होते हैं वो भी इसी के कारण से होते हैं, तो जो मानसिक रोगों की भी चिकित्सा करते हैं हम, तो उनको भी हम मानते हैं कि ये भूत विद्या के अंतर्गत है, जिसके अंदर हम बहुत तरह के कार्य करने पड़ते हैं, लोगों को नशे आदि के द्वारा सुंघाना, उनको नियंत्रण करने के जो साधन हैं, कई बार मानसिक उन्माद में होता है तो आदमी को पकड़ना भी पड़ता है, बांधना भी पड़ता है, डराना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, तो इस तरह के जितने भी जो उपाय किए जाते हैं, कुछ धुआं दिया, कुछ हमने सुंघाया, कुछ नस से डरा, कुछ अंजन किया, तो जितने भी विधाएं हैं ये एक योग्य चिकित्सक ही कर सकता है। ये झाड़ फूक का नाम कहने की कोई भी झाड़ू उठा के कर दे, कोई भी धुआं डाल करके कर दे, ये पूरा विज्ञान है, साइंस है, और ये वो कर सकता है जो कुशल वैद्य है, जो आयुर्वेद का अच्छा जानकार है। तो इसको मैंने जैसे कहा कि भूत विद्या का अर्थ क्या है, भूत का अर्थ क्या है, विद्या का अर्थ क्या है, तो इसकी जो चिकित्सा है यह एक आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और यह महत्वपूर्ण पार्ट है, हम इसको समझें।